हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े पिज़्ज़ा की, और जिसका आकार और वजन सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा कितना वजन आता है, ये कब और कब बनाया गया था? यदि नहीं तो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, दिसंबर 1990 में दक्षिण अफ्रीका के नॉरवुड के एक सुपरमार्केट में से एक स्थानीय शेफ को एक पिज़्ज़ा बनाने के अनुरोध के साथ संबोधित किया गया, जिसे कई सौ लोगों को खिलाया जा सकता था। आदेश निष्पादित किया गया था, यह एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा निकला। इसका व्यास 37.4 मीटर था। 20 वर्षों के लिए इस पाककृति ने विश्व की सबसे बड़ी पिज़्ज़ा का खिताब जारी रखा। लेकिन समय बदलते हैं, नए हीरो दिखाई देते हैं। यह पाक के क्षेत्र पर लागू होता है। 2012 में इटली में एक नया रिकॉर्ड पंजीकृत किया गया था। एपेनाइन प्रायद्वीप के 5 शेफ ने पिज़्ज़ा को एक खूबसूरत नाम ओटाविविया के साथ बनाया। तैयार किए गए पेस्ट्री को जनता के सामने पेश किया गया था। इस घटना में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के आधिकारिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उन्होंने आवश्यक माप को पूरा किया। पिज़्ज़ा का व्यास 43 मीटर और उसका वजन 9 टन। नतीजतन इटालियंस ने 1990 की रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रहे। विशाल पिज़्ज़ा के निर्माण के लिए निम्नलिखित उत्पादों का उपयोग किया गया था। दोस्तों, इसमें 250 किलोग्राम नमक, बाल्मीकि सिरका 22 किलो, 9 टन पनीर और आटा, वनस्पति तेल 190 किलो, टमाटर सॉस के 4 टन, मार्जिन 700 किलो। एक आटा बनाने के लिए केवल आधी लड़ाई है। यह पतले करने के लिए आवश्यक था, और इसे और अधिक पतले टमाटर की चटनी के साथ मिलाकर पनीर के साथ छिड़क कर और इसे एक विशेष ओवन में भेज दिया। पिज़्ज़ा के आकार को देखते हुए ये करना आसान नहीं था, लेकिन इतालवी रसोइयों ने इसे पूरी तरह से किया था। डोविलियो नार्दी खाना पकाने के क्षेत्र में एक असली पेशेवर की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित किया। रिकॉर्ड पिज़्ज़ा का प्रायोजक कंपनी डॉक्टर सेकर समूह उसके अध्यक्ष ने इकट्ठे लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कई लोग मानते हैं कि लस युक्त भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। पिज़्ज़ा ओटाविया इसके एक जलवंत पृष्ठ है। अपने भाषण के अंत में लोगों ने पिज़्ज़ा से संपर्क करना शुरू कर दिया और उसके आगे तस्वीर ले ली। सबके बाद ये सिर्फ शेफ से स्वादिष्ट पेस्ट्री नहीं है, लेकिन एक विश्व रिकॉर्ड धारक। घटना के गंभीर भाग के बाद पिज़्ज़ा को सैकड़ों भागों में काट दिया गया था। सभी मेहमान घर में तृप्त और खुश थे। पिज़्ज़ा के शेष टुकड़े रोमन आश्रयों के लिए भेजे गए थे, और यह एक बहुत ही महान कार्य है। अंत आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस करना भूले दोस्तों, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।